हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। मैं आप लोगों को BS3 के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आया हूँ, छोटी सी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी और हमारे लिए भी अच्छा रहा है, और हम लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया और अच्छा भी हमको लगा इसमें, और इसमें फ़ायदा भी हमारा हुआ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हमको BS3 या टाटा गाड़ियों में हमको काम करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो के होम पेज पर लेकर चलता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले शुरू में कि ये चीज़ हमारा जो एक थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, देखिए मैं आपको पास में करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ को आपको देखना है। देखिए ये चीज़ छोटा सा पिन जैसा एक निकला होगा, छोटा रॉड जैसा, ठीक है ना। तो क्या होता है, इससे हमको क्या फ़ायदा है और क्या सही है, इसमें आपको मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग BS3 क्लच जो हम सेटिंग करते हैं और क्लच डालते हैं, तो हम लोग कितना भी मेहनत करते हैं मगर हमको हमारे मेहनत को कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमको हाँ अच्छा लगा हो किसी को। और टाटा टेल्को में जब जाती है गाड़ियाँ हमारी, हम लोग छोटे मोटे गैरेज पर काम करते हैं या छोटे कंपनियों में काम करते हैं, तो टेल्को में गाड़ियाँ जाती है तो हमारी इंसल्ट होती है कि हाँ ये क्लच सही नहीं है, इसको क्लच को उतारना पड़ेगा। और मैंने भी सहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में क्या है ये और क्या इससे हमको नुकसान है और क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो मैंने इस गाड़ी में क्लच प्लेट डाला है BS3 गाड़ियों में, तो मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये जो है हमारा क्लच, जब हम लोग डालते हैं तो जैसे जैसे क्लच घिसाई करता है, जैसे जैसे क्लच हमारा घिसता है और घिसाई होता है, तो ये बाहर आते रहता है, ठीक है ना। जब हमारा फोर्क, ये जो फोर्क है हमारा सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, फोर्क है ये, फोर्क जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे ये भी बाहर आएगा, ठीक है। तो इसका काम वहीं पे है जहाँ तक इसका काम होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए, रहना चाहिए। तो हम लोग एक गलती इसमें बहुत करते हैं, ठीक है, एक गलती करते हैं जिस गलती के कारण हमारा इंसल्ट बहुत होता है, और मूड मेरा भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो मैंने बता दिया कि घिसाई के कारण ये बाहर आता है। तो इसको मैं आप लोगों को कुछ और आगे बताता हूँ कि जब हम लोग इसको फोर्क ये हम लोग ये पूरा गियर उतारने के लिए, क्लच प्लेट डालने के लिए गियर उतारते हैं, और इसको हम लोग क्वार्टर पिन और पिन को जब बाहर करते हैं, तो ये चीज़ को हम लोग फोर्क को पीछे लेते हैं, टायर लीवर या हाथ से या कोई चीज़ से हम लोग बाहर इसको अंदर की तरफ लेते हैं, अपने तरफ सिलेंडर की तरफ। तो ये क्या चीज़ होता है, ये बाहर आता है, और बाहर आने के कारण क्या होता है, हम लोग इस पर ध्यान देते नहीं, हमारा क्लच फिट हुआ और फिटिंग होने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं कि चलो भाई हमारा काम हो गया, गाड़ी चालू हुआ, हमारा गाड़ी रनिंग करने लगा, ठीक है। तो कभी कभी ड्राइवर लोग बोलते हैं कि गाड़ियाँ दब रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमारे सेठ लोग क्या करते हैं कि कार्गो में भेजते हैं टाटा टेल्को में। तो पहले वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत इधर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, तो इसको देखते हैं बाहर निकला तो बोलते हैं क्लच उतारना पड़ेगा। तो मैं इसको आपको बारे में समझा रहा हूँ, खूब अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने ये टायर लीवर लिया, ठीक है, टायर लीवर से मैं अब इसको, आप लोग भी इस पर रिसर्च करना और देखना कि मैंने इसमें फोर्क में डाला, ठीक है। तो मैंने इसको दबाया, ठीक है, ये देखिए देखिए बाहर निकल रहा है, जैसे जैसे मैं क्लच दबा रहा हूँ वैसे ये बाहर, मतलब हमारा क्लच घिस रहा है, घिसाई कर रहा है, ये समझ लीजिए एक तरफ से हमारा क्लच घिस रहा है और ये बाहर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, आ जा भाई बाहर आ जा, ये हमने टायर लीवर निकाल दिया और अपना फोर्क चला गया अपने जगह पे, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, ये रह गया अपने बाहर, हमने क्लच प्लेट डाल दिया और ये वहीं पे जाकर रह गया। तो इसको हमको ध्यान देना है कि जब हम लोग क्लच पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो इसको क्या करना है, अपने को धीरे से इसको अंदर दबा देना है, ठीक है, ताकि हमारी इंसल्ट ना हो कि कोई बोले नहीं कि हाँ ये क्लच घिस गया है और क्लच में काम नहीं, काम इसमें निकल गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को अपने को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि कभी भी आप लोग क्लच प्लेट डालो और गियर डाउन करो तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से देखना है और इसको अंदर दबा के छोड़ देना है, ठीक है, ताकि जब जब जैसे जैसे क्लच घिसाई करे वैसे वैसे ये अपना बाहर आता रहेगा, फिंगर जैसे जैसे अपना उठेगा ऊपर, BS3 का आपको पता है, और जैसे जैसे फोर्क अपना उठेगा वैसे वैसे बाहर आएगा। और हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, इसकी गलती के कारण हमारा इंसल्ट बहुत होता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ, इसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग भी इससे ट्राई कर सकते हो, आपको अगर मेरी वीडियो को नहीं अच्छा लगे तो, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर लेना। देखो ये चीज़,
मैंने टायर लीवर से दबाया, इसको पूरा पीछे ले लिया और ये कैसे रह गया, बाहर आ गया। ठीक है ना, हम लोग ये पिन निकालने का टाइम में इसको दबाते ज़रूर हैं, आप लोग भी दबाते होंगे। और ये अपना जगह पे चला गया फोर्क, और ये हमारा पिन जो है ये बाहर का बाहर रह गया। तो इसको हमको क्लच प्लेट कंप्लीट करने के बाद इसको हमको अंदर की तरफ दबा देना है। अब ये चला गया अपना अंदर और हमारा हो गया काम पूरा। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, दो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वीडियो और अच्छी तरह से लाता रहूँगा और बताऊँगा इसके बारे में, BS3 के बारे में।